दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा अपना ज्ञान बका रहा हूँ कि मुझे कितना पता है, या फिर मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट मेरे आसपास जो हो रहा है, जो मैं फील करता हूँ, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने 2-3 दोस्तों से मिला हूँ अभी हाल ही में, और उन्होंने एक्टिंग ही करते हैं वो लोग, और वो बड़े परेशान रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, कि यार फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते, मेरा घर का माहौल ऐसा है कि मैं ना ऑडिशंस नहीं दे पाता हूँ, और कभी ऑडिशन आ जाए तो घर पे माहौल ऐसा नहीं मिलता कि ऑडिशन बना पाऊँ, या फिर वो मेरी एक्टिंग को पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई जॉब कर लूँ, उनके फादर हैं या मदर हैं। ऐसा मुझे समझ नहीं आता, पेरेंट्स क्यों नहीं समझते हैं इस चीज़ को। अगर कोई आपका बच्चा, ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी है, कि अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसको करने क्यों नहीं देते हैं? मैं जानता हूँ ये फील्ड ऐसी है कि यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है, और हो सकता है कि मेरे दोस्तों की तरह वो भी, आप भी, आपके बच्चे भी 2-3 साल 4 साल से ट्राई कर रहे होंगे, कुछ हो नहीं पा रहा होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में वक्त लगता है, बहुत लोगों को लगता है, मतलब ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी का 1 साल में हो जाए, किसी को 2 साल लग जाए, किसी को 10 साल लग जाए। अपने बच्चे को दीजिए ना मौका, क्यों अपने सपने उनके थ्रू आप पूरा करना चाहते हैं? मैं जानता हूँ, जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि उसके फादर की है जो जॉब है, वो रिटायर होने वाले हैं, और उसके बाद अभी घर का खर्चा, जिम्मेदारियाँ सब हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको चाहिए एक सहारा, लेकिन आप अपने बेटे के सपनों के बारे में भी सोचिए ना, अपने बच्चों के सपने के बारे में। क्या आप और 5 साल 10 साल नहीं दे सकते उसको? 5 साल 10 साल छोड़ो, 1-2 साल जितना भी, उसको एक समय दे दीजिए कि आप 1 साल में, 1 साल देख ले, अगर तेरा कुछ होता है तो करियो, नहीं तो फिर छोड़ दियो। कुछ प्रोग्रेस दिखेगी आपको तो वो खुद ही आप बोल दोगे कि ठीक है कर ले। और मैं एक्टर्स को भी बोलना चाहता हूँ, ना ही सिर्फ एक्टर्स, जितने भी टीनेजर हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं या कोई भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ, यार अपने पेरेंट्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको भी समझो। अगर आपके घर के हालात ऐसे हैं कि आप काम नहीं कर सकते अभी, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि 1-2 साल आप इसमें स्ट्रगल करें और आपका कुछ ना हो, पैसे ना आए घर पे तो घर ना चले, तो आप भी थोड़ा सा समय दीजिए ना, थोड़ा समय ले लीजिए, 1-2 साल 3 साल ले लो, थोड़ा पहले घर की स्थिति संभाल लो, उसके बाद कर लेना एक्टिंग। एक्टिंग कहाँ भागे जा रही है? एक्टिंग तो यही है, इसकी तो कोई एज नहीं होती कि आपको 18 साल से शुरू करना है, या यहाँ तो 5 साल के, 2 साल के, 2 साल 5 साल, क्या जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट आती है, और जब आप 70 साल के हो जाते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट आती है, तब कर लेना आप। आपको अभी इतनी जल्दबाजी की पड़ी है, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए। मैं दोनों को कहना चाहता हूँ यार, अगर पेरेंट्स आपके, आप जिस सोचिए ना, आपके पेरेंट्स ने भी तो आपके लिए कितना कुछ किया है, बचपन से आपको पाल पोस कितना बड़ा किया है, उसके बाद वो चाह रहे हैं कि जस्ट घर में कुछ पैसा आ जाए, इसे घर चल जाए, तो ये तो एक नीड वाली बात है ना, ये तो एक ऐसी है नहीं कि वो कुछ ऐसा विश कर रहे हैं आपसे कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि आपके सपनों से आपको दूर कर देगा, वो तो एक बेसिक चीज़ बोल रहे हैं कि यार घर में इतना खर्चा तो आ जाए कि भाई घर चल जाए, तो आप उतना नहीं कर सकते उनके लिए 1-2 साल 3 साल? मैं बहुत एक्टर्स को जानता हूँ कि वो अपनी जॉब कंप्लीट करके, पैसे वैसे सही सही जमा करके, उसके बाद ही इस फील्ड में आए हैं, मतलब जो खर्चा उनको देना था अपने घर वालों को, जो वो सैलरी हर महीने देते थे जब जॉब करते थे, तो वो 1-2 साल 3 साल का इकट्ठा करके उनको दे के आए हैं कि हर महीने उनको देता रहूँगा और उससे अलावा जो मेरा खर्चा होगा वो मैं इधर निकाल लूँगा, तब वो इस फील्ड में है। तो आप भी तो ऐसा कर सकते हैं ना कि आप 2 साल 3 साल जॉब पे पैसा इकट्ठा करके इतना सेविंग कर लें कि अपने घर वालों को दे दें, उसके बाद घर वालों को सैलरी जब मिलती रहेगी हर महीने, कुछ कम दे दें, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो 10,000 बोल दें कि थोड़े 1-2 साल 10,000 से गुजारा कर लीजिए जब तक मैं इस फील्ड में कुछ कर नहीं लेता। सोल्यूशन तो निकालिए, और अपने पेरेंट्स को गलत समझना बंद कीजिए। वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं आपके लिए, वो खुद, उनका बचपन कैसे गुजरा, वो कैसे बड़े हुए, उन्होंने इनसिक्योरिटी देखी है, लाइफ के स्ट्रगल देखे हैं, सो वो थोड़े, वो भी अपने एक्सपीरियंस से ही आपको कुछ बोल रहे हैं ना,
एक तो दिक्कत ये होती है ना कि हम अपने पेरेंट्स को इतना आइडियलाइज कर देते हैं, ऐसे भगवान बना देते हैं कि वो बोल रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। अरे उनको एज ए फ्रेंड ट्रीट करो ना, जैसे आपका कोई फ्रेंड बोलता है तो आप बुरा के बुरा थोड़ी मानते हो, उससे बात करते हो ना, आर्ग्यू आर्ग्यू नहीं करते, लेकिन आर्ग्यू मत करो, लेकिन कम से कम उनसे एक हेल्दी डिस्कशन तो करो कि पापा पापा या मम्मी मैं ऐसा सोचता हूँ, ऐसा होना चाहिए, या मुझे इतना टाइम दे दो तब तक मैं करूँगा। आप तो उनके बोलते ही आप ऐसे बुरा मान जाते हो, और देन फिर ऐसा नेगेटिव माहौल हो जाता है घर में, तो आप जो काम अभी अभी तो आप स्ट्रगल कर ही रहे हो, वो स्ट्रगल घर में भी हो जाता है, तो दोनों तरफ से आप घिर जाते हो कि आप करें क्या, फिर नेगेटिव थॉट्स एंड ये सब आता है। और पेरेंट्स को देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रहे हैं कि कैसे अपने बच्चों को दोस्त बनाया जाए। अब जिसकी वजह से वो कुछ बात नहीं कर पाते, आपसे कुछ शेयर नहीं कर पाते हैं, अगर शेयर करने आते भी हैं तो आप उनको डांट के भगा देते हो, या फिर आप उनको कहते हो कि नहीं ये तो बकवास फील्ड है, आप ऐसा करो, मैं जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो। आप उनको सुनो तो सही, आप नहीं सुन रहे हो, इसकी वजह से वो बाहर जाके अपने दोस्तों से और स्ट्रेंजर लोगों से शेयर कर रहे हैं चीज़ें जो उनको जानते भी नहीं है, और वो खुद स्ट्रेंजर जो उनके दोस्त लोग हैं वो तो अपने बुद्धि के हिसाब से ही उनको गाइड करेंगे ना, उनके पास जितना एक्सपीरियंस होगा लाइफ का तो वो क्या ही गाइड करेंगे। आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अपने बच्चों को दोस्त की तरह रखिए ना, कि उसको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्यों उसको क्यों बच्चों को अपने आप अपने से दूर कर देते हैं, फिर कहते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, आजकल का यूथ डिप्रेशन में जा रहा है। तो जाएगा ही ना, क्योंकि आप उनकी सुन नहीं रहे हैं, दोस्तों से और इधर उधर से गाइडेंस अच्छी मिल नहीं रही है, तो वो अकेला ही रहेगा, अपने ही अपने थॉट्स में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा तो डिप्रेस हो ही जाएगा बंदा। सो आप दोनों से, पेरेंट्स से भी और बच्चों से भी, दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों को सुनिए, और जितने भी बच्चे हैं जो इसको सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उनको अपना फ्रेंड बनाइए। उन पेरेंट्स की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जिस तरीके से वो बड़े हुए हैं तो वो भी भगवान नहीं है, वो भी गलत डिसीजन ले सकते हैं, वो भी गलत चीज़ें आपको बता सकते हैं, तो उनको करेक्ट भी कर दीजिए आप, ज़रूरी नहीं है कि हर बात सही हो, लेकिन करेक्ट कीजिए तो साथ साथ उनसे बात भी कीजिए और उनसे उनकी कुछ बात समझिए भी, तब जाके चीज़ें बनेंगी। उनको दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, तभी आप दोनों के बीच में कुछ सामंजस्य बैठ पाएगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ रह पाएगा। नहीं तो वो आपको बोलेंगे, वो आप नहीं सुनोगे, आप बोलोगे, वो आपको सपनों को नहीं समझेंगे, दोनों में क्लैशेस होते रहेंगे। तो आप देख लीजिए आप कैसी लाइफ आप जिएंगे, ना आपका करियर सही चल पाएगा, ना आपकी पर्सनल लाइफ सही रह पाएगी, तो ऐसे में आप पता नहीं क्या ही ग्रो करेंगे। आई नो सबके मन में यही सवाल बार बार आता है कि मैं उनको बोलना चाहता हूँ या बोलता हूँ, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, समझेंगे नहीं मेरी बात को। वो नहीं समझेंगे जब तक आप उन्हें नहीं समझेंगे, क्योंकि दिक्कत उनमें नहीं है, आप में है, ये मैं दोनों को कह रहा हूँ। पेरेंट्स पेरेंट्स की बात भी, जब तक पेरेंट्स भी जब तक बच्चों की बात नहीं समझेंगे, जब तक आप खुद पेरेंट्स नहीं समझेंगे कि बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को बैठा के उसकी बातें नहीं सुनेंगे आप कि वो कहे एक्चुअल में करना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। आई नो सिंपल नहीं है, लेकिन बात करेंगे तभी होगा। अपने जो रिलेशनशिप है ना, जो टैग लगा रखे हैं कि मैं बाप हूँ, या फिर ये मेरे फादर हैं, या मेरे पिता हैं, मेरे मम्मी हैं, ये निकाल के, ये टैग हटा के एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कीजिए, तब शायद कोई कॉन्वर्जेशन बीच में हो पाएगा और कोई रास्ता निकलेगा। ऐसा रिलेशनशिप क्यों नहीं हो सकता पेरेंट्स का और बच्चों का कि वो दोनों कुछ भी शेयर कर पाए, अपनी गर्लफ्रेंड से लेकर, अपनी पढ़ाई से लेकर, अपने करियर से लेकर, हेल्थ से लेकर, कुछ भी हो शेयर कर सके, ऐसी ऐसी सीख हम क्यों नहीं देते अपने बच्चों को और पेरेंट्स को। खासकर कि पेरेंट्स को तो ये समझना चाहिए, वो ज़्यादा बड़े हैं तो उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ ये कीजिए, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को देख चुका हूँ, वो बहुत ही डिप्रेस रहते हैं और वो बाहर चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को नहीं वो बता पा रहे हैं, जिसकी वजह से
चलो अभी तो कोई सुन लेता है उनकी बात, वो किस तरह कर लेते हैं पता नहीं, कितने ऐसे होंगे लोग जो बच्चे जो किसी से शेयर ही नहीं कर पाते होंगे, और जिससे शेयर करते भी होंगे तो उनकी बात समझ नहीं पाते होंगे, उनको कुछ कुछ गलत गलत गाइड कर देते होंगे और वो जी रहे होंगे, या तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे या फिर डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया था बिकॉज मैं इतनी चीज़ें सुन चुका था अपने दोस्तों से, मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से मुझे दुख हो रहा था यार ये क्या हो रहा है, बच्चों का एक्साइटमेंट ही चला गया जिंदगी से, उन लोग जो मेरे दोस्तों का उन दोनों का एक्साइटमेंट ही चला गया मेरी अपनी ज़िंदगी से, कि यार मैं करूँ क्या, घर जाता हूँ पेरेंट्स नहीं सुनते हैं और बाहर मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो मैं तो दोनों तरफ से फंस रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, थैंक यू, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जहाँ पे भी आपको लगता है, अगर कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जिस जो इस तरीके से इस चीज़ों से गुजर रहा है तो उसको ये वीडियो दिखाइए सुनाइएगा और बोलिएगा कि भाई ये सबके साथ हो रहा है, तेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है, तो जाके बात कर अपने पेरेंट्स से, और ज़्यादा ही अच्छा लग गया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।